करवाने जा रहे हैं वो हम करवाने जा रहे हैं साइबर लॉज इन पाकिस्तान में, जो कि करवाएंगे सर असदुल्ला जावेद साहब. असदुल्ला जावेद साहब जो है वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ की इन कॉर्पोरेट एंड सिविल, सिविल में और कॉर्पोरेट में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके अलावा ये विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी हैं प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ लॉ में, ऑफ कॉमर्स, आई एम सॉरी कॉमर्स में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं. इसके अलावा जो है ये पाकिस्तान लॉ साइट डॉट कॉम के एडिटर भी हैं. और इसके अलावा जो है ये मोस्ट प्रॉबेबली ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने एफ आई आर ओके सर. और इसके अलावा जो है ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने FIR लॉन्च की थी साइबर लॉ की पाकिस्तान में. सो सर वेलकम हियर. आई वुड लाइक टू इनवाइट सर असदुल्ला जावेद टू प्लीज़ कम ऑन द रोस्टर. थैंक यू सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया. आई नो आफ्टर माई कवर सम लेक्चर अ डे बिफोर आपके लिए आना शायद इतना आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि साइबर लॉज के शौक में आप लोग यहाँ आए हैं. चले वो तो ये खुद आपको इंशाल्लाह बता देंगे. मैं थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात करना चाह रहा हूँ. ये हमने एक छोटा सा ग्रुप है हमारा, मिलके हमने ये सारा शुरू किया है. और बेसिकली ये एक जज्बा है हमारे ग्रुप का कि आप लोग थोड़ा सा लर्न करें. और लर्न क्यों करें? मेरा तजुर्बा आप लोगों को देख के, आपकी जवानी देख के, आई गो बैक टू माई ईयर्स व्हेन आफ्टर कमिंग फ्रॉम द लॉ कॉलेज आई वॉज लाइक यू सिटिंग इन प्लेसेस लाइक यू आर सिटिंग, नॉट सर्टन अबाउट माई फ्यूचर, नॉट सर्टन अबाउट माई करियर. सो मेरा जी चाहता है कि आप लोगों को थोड़ी सी कोई गाइडलाइन भी मिल जाए और आप लोगों को थोड़ा एक हेल्दी एक्टिविटी मिले. आई होप कि आप ये जो हम कर रहे हैं आप इस स्पिरिट को समझते होंगे कि इट्स ए हेल्दी एक्टिविटी. ये दुरुस्त है? सही है. तो उसके लिए मुख्तलिफ जो लोग हैं, थोड़े से मेरे कनेक्शंस हैं, कोई असदुल्ला साहब हैं, बहुत पुराना हमारे साथ चल रहे हैं, इनका साथ मेरे साथ तो इनका 20 साल का साथ है. पाकिस्तान जब मैं यहाँ आया तो आते ही उन्होंने पाकिस्तान लॉ साइड का मुझे मेम्बर बनाया. तो ये खुद तो पायनियर हैं, खुद उन्होंने शुरू किया था तो उस वक्त से मैं भी शुरू उनके साथ. और मलक जीशान साहब मेरे शागिर्द हैं, माशाल्लाह आई एम प्राउड ऑफ हिम. बहुत मेहनत करते हैं, लायक हैं, और आगे उनके शागिर्द भी बहुत लायक हैं माशाल्लाह. तो आई होप कि हम एक ऐसा ग्रुप बना लेंगे जिनके लिए एक यहाँ आना, यहाँ आके बैठ के पढ़ना, चीज़ों को समझना, और ऐसा ऐसा उम्मीद है कि आप बोलना भी शुरू कर देंगे. जो अभी इतना डर डर के या खामोशी से बैठे हैं, दिस इज़ नॉट अ क्लास रूम. ट्राई टू रिमेंबर इट्स अ क्लब. बेसिकली इट्स जस्ट अ क्लब जहां आप सारे पार्टिसिपेट करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछें, लर्न करें, समझें, ताकि आपको इन चीज़ों में मज़ा आए. कि पढ़ने लिखने वाली चीज़ें भी जो हैं ये भी बहुत मज़ा देती हैं, सिर्फ ताश खेलने का मज़ा नहीं. ओके थैंक यू वेरी मच. इस तरह की चीज़ें मैं अपनी उम्र का फ़ायदा उठा के करता ही रहूँगा. असदुल्ला साहब तशरीफ लाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. तो शाह साहब जो हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन बताया. और मैं शाह साहब से पिछले 20 साल से जिस तरह से कनेक्टेड हूँ, तो एक्चुअली हमारा कनेक्शन और तारुफ जो सा था वो पहली मुलाकात, आई रिमेंबर सर, पहली मुलाकात उनसे थी हमारी, वो भी विद रेफरेंस टू कंप्यूटर्स ही थी. शाह साहब जो हैं बहुत कीन हैं जनाब आईटी और इन चीज़ों के हवाले से,
اور میرا اس وقت میں جن سا تھا وہ زیادہ انٹریکشن اور یہ لا سائڈ ڈیولپمنٹ کرنے کے حوالے سے جن سا تھا, تو اس میں شاہ صاحب کی جن سی تھی وہ ان پٹ اور شاہ صاحب کے ساتھ جن سا تھا وہ گفتگو اس زمانے میں اس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ جیسے کہ جناب کوئی کہہ لیں کسی ایک بندے کو ویرانی میں کوئی ایک شخص مل گیا ہو جس سے کہ وہ اپنی دل کی بات کر سکتا ہے, کچھ اس طرح سے ان کے ساتھ جن سے گفت و شنید ہوتی رہتی تھی. کیونکہ اس زمانے میں کمپیوٹرز کو سمجھنے والے اور کمپیوٹرز سے متعلق جن سے گفتگو کرنے والے یا نالج رکھنے والے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے, اور اکثر جب ہم بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے تو ارد گرد میں کوئی دوست اور بیٹھے ہوتے تھے, وہ عجیب نظروں سے ہمیں دیکھتے تھے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرح کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, یہ جو وہ اس طرح کی چیزیں جن سے تھیں عام لوگوں کے نالج میں نہیں ہوا کرتی. بہرحال تعلق جن سا ہمارا اس طرح سے ہے. آئی ایم ریئلی گریٹفل دیٹ یو ہیو آنرڈ می کہ میں ان کے اس انسٹیٹیوٹ میں آپ دوستوں کے ساتھ آ کر دوسرے انٹریکٹ کر سکوں. اور ویسے یہ کہہ رہے تھے کہ اٹس اے ورک شاپ, یہ کوئی لیکچرنگ نہیں ہے, یہ کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے, یہ ایک ڈسکشن کا ماحول ہے. ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں ماشاء اللہ یو آل آر لا گریجویٹس, اور لا گریجویٹ ہونے کے ناطے سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے, آپ نے مجھے باقاعدہ اس کو اسٹڈیز میں دیکھا ہے, اس کا پریکٹیکل نالج جو ہے وہ شاید تھوڑا کم ہوگا, بٹ ڈیفینیٹلی یو ہیو این اوپینین and that's all matters. Opinion jo hai wo hi hai jo ke matter karta, because law is nothing but common sense. Ye hame basic cheez usi hai philosophy mein jo students mein padhai jati hai. Law is nothing but common sense. We all learn laws not because that we are law graduates, because we observe society. ہم اپنے ارد گرد نظر رکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں لوگ کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, کس طرح سے معاملات سارے چلتے ہیں یہاں پر, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی لرن لا. تو میں اپنی جو آج کی گفتگو کا آغاز جو آج کرنے جا رہا ہوں اور اس پلیٹ فارم کے حوالے سے, تو اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے اسٹارٹ ود دی پرپز آف لا, کہ قانون جو ہے اس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہوتا ہے. میرے نزدیک قانون کا مقصد جو سا ہے وہ کریٹ ڈسپلن ہیومن بیہیویئر. انسانی کردار انسان ہے, یہ سب سے انپریڈکٹیبل چیز ہے, اور لوگوں کے ساتھ اتنے بیٹھنے میں ملنے میں ہمیں جو جناب ایک چیز جو ڈسپلن کے طور پر ریکوائرڈ ہے, دیٹ از وٹ از گیون ٹو اس تھرو لاز. اس کے علاوہ جناب it intends to create certainty. Law سے ہمیں ایک سرٹنیٹی حاصل ہوتی ہے, ایک یقینی کیفیت حاصل ہوتی ہے. ہر شخص اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے جو بھی کرے تو اس طرح سے آپ معاشرے میں نہیں رہ سکتے. آپ کو ایک ڈسپلنڈ انوائرمنٹ چاہیے جس میں کہ سب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں, پتہ ہو کیسے چلنا ہے کیا کرنا ہے. یہ ایک لا کا بنیادی مقصد ہوتا ہے میرے نزدیک. اس کے علاوہ we need to know in advance that what would be the consequences of our actions. ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہے کہ لا جو سا ہے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ ہم نہ بیٹھنا ہے. یہ ایک پرپز آف لا کے حوالے سے ایک اور گفتگو. اگر لا میں ایمبیگوٹی اور انسرٹنیٹی ہو تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ میلافائڈی ذہن اٹھاتا ہے. ٹیکنیکل ورڈ آپ جانتے ہوں, جو بدنیتی انسان کسی کے ذہن میں آ جائے وہ ہے جو اس کا سب سے زیادہ میلافائڈی ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور لا کی ایمبیگوٹی جو سی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور کلیئرٹی اکثر جو ہے ہمیں جو اسٹیچوٹ سے جو قوانین بنے ہوتے ہیں ان سے ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر جو عدالتوں میں کیس لا جن سے ہوتے ہیں ان سے حاصل ہوتی ہے. ایگزامپل سے جو سنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کوئی ایک لا جو ہے اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جناب تمام مقاصد ہیں لا کے جو میرے ذہن میں ہیں. اب انہی چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے
तो एक बहुत ही एम्बिगुअस आगे चलकर हमें जो चीज नजर आ रही है वो है जी साइबर स्पेस और साइबर से रिलेटेड या जो इंटरनेट से रिलेटेड या जो हमारे पास गैजेट्स पकड़ी हुई हैं जिससे कि हम पूरी दुनिया को उधर अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं उससे मुतल्लिक लॉज जो हैं ये हैं जो कि आज की हमारी डिस्कशन में एक बहुत ही अनसर्टेन सा एरिया है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. दिस इज द एम्बिगुइटी, दिस इज द अनसर्टेनिटी व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. जब मैं साइबर लॉज के बारे में बात करता हूँ तो मेरा होराइजन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, मेरा होराइजन जो है ये पूरी ग्लोब है. क्योंकि जनाब ये इंटरनेट जो है इससे हम तमाम लोग दुनिया के आपस में कनेक्टेड, वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज ऐसा बोला जाता है. तो हम इसी कॉन्टेक्स्ट में जब बात करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ केस स्टडी जो है वो एकदम लेकर आया हूँ जहाँ से हम जो है ये जो लॉज की ज़रूरत को ज़रा एवेल्यूएट कर सकेंगे और अंदाज़ा लगा सकेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है. बंदा हैरान होता है, परेशान होता है कि यार ये चलो साइबर लॉज जो है इससे मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं तो ये होता क्या है, ये इससे हम किन चीज़ों को एड्रेस कर रहे होंगे. तो जी मैं सबसे पहले आपके सामने दूसरा बच्चों एक बड़ा ही मशहूर है ज़माना लेटेस्ट जो कि एक डेवलपिंग स्टोरी है अभी इस वक्त इसके बारे में बात करने जा रहा और वो है जी फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल. ये एक ऐसा स्कैंडल है जो कि जनाब अभी एक ऑनगोइंग दूसरा प्रोसेस में और ये केस स्टडी के तौर पर बच्चों कि हमें अंदाज़ा हो साइबर लॉ से मुताबिक अगर हम बात कर रहे होंगे तो ये क्या बात कर रहे होंगे. तो जी ये एक केस है फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल और ये है क्या, हुआ क्या, इसको थोड़े बैकग्राउंड के साथ में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. हुआ क्या कि जनाब फेसबुक जो है ये ऐसे सोशल मीडिया प्रोडक्ट है जो कि ऑलमोस्ट तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं और उस पर हमारा जो डाटा है इंफॉर्मेशन है इट शुड बी प्रोटेक्टेड, नो डाउट अबाउट दैट. इसके लिए बाकायदा जुलसा है 2011 में यूके यूएसए के हवाले से इस केस को डिस्कस कर रहे हैं. तो 2011 में जनाब ये यूएस के फेडरल ट्रेड कमीशन एंड फेसबुक साइन ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कंपनी प्रॉमिसेस दैट इट वोंट शेयर यूजर्स डेटा विदाउट देयर परमिशन के जनाब ये लोगों की मालूमात जुनसी है ये उनसे इजाज़त लिए बगैर फेसबुक इस्तेमाल नहीं करेगा. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट, हम भी जब अकाउंट खोलते हैं वो जो हम आई एग्री क्लिक कर देते हैं ना जिस अंग्रेजी को हमने कभी नहीं पढ़ा उसमें ये बात लिखी होती है जनाब आहोजी जो है ना ये हम उनसे इंफॉर्मेशन जो आपसे ले रहे हैं हम ये आगे इंसान किसी और को नहीं देंगे, अल्लाह की कसम नहीं देंगे. फिर क्या हुआ जनाब कि ये कंपनी है जनाब कैम्ब्रिज एनालिटिका ये 2013 में जनाब ये कंपनी जुड़ी है, ये इसने अपना ऑपरेशन जो है वो यूएसए में स्टार्ट किया और ये एक्चुअली एक यूके बेस्ड कंपनी जनाब स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन लेबोरेटरीज उसकी ये सब्सिडरी कंपनी थी और इस कंपनी का बुनियादी काम दूसरा था वो डेटा माइनिंग, डेटा ब्रोकरेज और डेटा एनालिसिस का. कैम्ब्रिज एनालिटिका मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ स्कैंडल है क्या ताकि आप जनाब इसके करेक्टर्स को समझ सकें और फिर उसके बाद में स्टोरी कैसे आगे डेवलप कर रही है जहाँ तक मैं छोड़ूंगा उसके बाद से आप दूसरे में इसको फॉलो भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर और बेशुमार और कंटेंट्स मटीरियल दूसरे में आपको मिल भी जाएंगे जिससे कि आप दूसरा इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और इस केस को फॉलो करते हुए आपको साइबर लॉज के बारे में और भी बहुत अच्छे तरीके से पता चलना शुरू हो जाएगा. तो जी ये कंपनी जो सी थी इनका काम था कि ये लोगों को डाटा प्रोवाइड करते हैं, पैसे देकर डाटा प्रोवाइड करते हैं और जी ये कोई डाटा एनालिसिस वगैरह करके भी देते हैं तो जनाब होता ना कोई कैलकुलेट करके कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह करके कि पाकिस्तान में कितनी गुरबत है और गरीब ज़्यादा कौन से इलाकों में हैं, इस तरह के काम जो है ना वो ये कंपनी क्या करते हैं.
اور کتنے امیر ہیں، کتنے جناب کتنے پرسنٹ انکم سے زیادہ لوگ ہیں، کتنے اتنے پرسنٹ کم سے کم لوگ ہیں، یہ سارے ڈیٹا انالیسز کے معاملات ہوتے ہیں جو یہ کمپنی جناب وہ اس طرح سے ڈیٹا پروسیس کر کے دیا کرتے ہیں. اچھا جناب کیا ہوتا ہے، یہ ہے جی سن 2014 کی بات ہے. 2014 میں کیمبرج انالیٹیکا گیٹس اے ڈیٹا آن فیس بک یوزرز فرام اے کیمبرج یونیورسٹی پروفیسر الیگزینڈر کوگن ان وائلیشن آف فیس بک ٹرمز. وہی جو میں نے ابھی آپ کو پہلے ایک ٹرم بتائی خاص ہائی لائٹ کی کہ فیس بک جن سے ہے وہ آپ سے اگر انفارمیشن لے رہی ہے تو فیس بک کا وعدہ ہے کہ یہ انفارمیشن جو سی ہے وہ کسی اور کو نہیں دیں گے آپ کی اجازت کے لو جی. یہ جناب کیا ہوا کہ کوئی ایک جناب پروفیسر تھے الیگزینڈر کوگن، تو یہ اپنی کوئی ریسرچ وغیرہ میں جناب کوئی اس طرح سے کام کر رہے تھے، تو اس کام کے حوالے سے جناب یہ ان کے پاس کوئی فیس بک جنسنا ایکسیس جنسا تھا موجود تھا، اور اپنے اس فیس بک ایکسیس میں جو ان کو ڈیٹا جنسنا پرمیشن جنسا تھی وہ یہ ان پروفیسر صاحب کو، ان پروفیسر صاحب کو جو ملی ہوئی تھی فیس بک والوں کی طرف سے پرمیشن، انہوں نے کیا کیا کہ اس پرمیشن کی وائلیشن کرتے ہوئے یہ جو ان کے پاس یہ پروفیسر صاحب کے پاس ڈیٹا تھا یہ انہوں نے یہ کیمبرج انالیٹیکا جو کمپنی تھی ان کو دے دیا. ابھی کیا ڈیٹا اس میں کیا ایسی چیز تھی جناب، دس ڈیٹا واز کلیکٹڈ تھرو این ایپ آن فیس بک وچ پوزڈ ایز اے پرسنالٹی کوئز کالڈ اٹ از یور ڈیجیٹل لائف. آپ فیس بک چوز کرتے ہیں آپ کو اس چیز کا ضرور اندازہ ہوگا کہ بے شمار اس طرح کے جناب آپ کو فیس بک کے اوپر ایپس جناب کو اس میں لنکس وغیرہ جو سے ملتے ہیں کہ جی واٹ از یور پرفیکٹ میچ، لو جی آپ نے نہ کلک کر دیا جناب اپنا میچ ڈھونڈنے بیٹھ گئے آپ، تو جی وٹ شوڈ بی لک آفٹر 50 ایئرس 50 سال بعد کس طرح سے نظر آؤ گے جی، آپ نے ایپ کو کلک کر دیا اور وہ جناب آپ کے فیس تھوڑا سا موف وغیرہ کر کے بتاتے ہیں لو جی اس طرح سے آپ نظر آئیں گے. تو اس طرح کی کوئی ایک ایپ تھی جناب فیس بک کے اوپر، کئی لوگوں نے اس کو کلک کیا ہوگا اور بڑی ہی ایک بات جن سی ہے وہ معنی رکھتی ہے. اور یہ ڈیٹا جن سا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو پرسنل ڈیٹا، چلو جناب یہ کیا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہوگا بھلا، تو اس کا میں ابھی آپ کو ایک آئیڈیا جن سا ہے وہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیے فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاؤ مچ فیس بک نوز اباؤٹ یو. اس کے لیے میں اپنا جناب فیس بک اکاؤنٹ جن سنا اس کو جن سنا وہ آپ کے لیے ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ فیس بک جو ہے جس کو کہ آپ سب لوگ استعمال کرتے ہیں، اس فیس بک میں بچوں یہ دیکھیے آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کس حد تک یہ فیس بک آپ کے بارے میں جانتا ہے تو یہ سیٹنگز کے اوپر کلک کیجئے. سیٹنگز کے اوپر یہ آپ جا کر دیکھیے یور فیس بک انفارمیشن، اور پھر جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو فیس بک انفارمیشن کے اوپر تو پھر یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ آپ کے بارے میں ایکسیس یور انفارمیشن، کہ آپ کی جو انفارمیشن جو فیس بک کے پاس ہے وہ کون سی ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جب سے آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں اس وقت سے جتنی پوسٹ آپ نے لائک کی ہیں وہ اس کے پاس ریکارڈڈ ہیں، جتنی تصویریں آپ نے جناب ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی ہیں یا ان کے ساتھ میں آپ کو ٹیگ کیا گیا سارا کچھ آپ کے ریکارڈڈ ہے، جو کمنٹس آپ نے کیے جو بعد میں پچھتا بھی رہے ہوں یار میں نے یہ کیا کیا، جو ڈیلیٹ بھی کر دیے وہ بھی ان کے پاس ریکارڈڈ ہیں، جو لائکس ریئیکشنز جو فالوئنگز جو فرینڈز جو میسیجز وغیرہ جو گروپس وغیرہ ہو جو گروپس وغیرہ جوائن کیے ہوئے آپ نے وہ سارے جو ایونٹس آپ سنا وہ دیکھتے رہے ہیں، جو اگر جناب آپ کی پروفائل انفارمیشن اور جناب یہ ناٹ اونلی دیٹ یہ بلکہ آپ کی لوکیشن وغیرہ کے بارے میں بھی جانتا ہے، جو ایڈس وغیرہ آپ کلک کرتے رہتے ہیں وہ بھی یہ جانتا ہے، آپ کی سرچ ہسٹری کبھی جناب چیک کریے نا تھوڑا آدمی جناب جو کالز جو میسیجز آپ کرتے رہے ہو
ये सारी लोकेशन हिस्ट्री कितने कितने मार लेके जाते रहे हो जनाब, जो लोकेशन ऑन की हुई थी आपने, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये फेसबुक को पता है। और ये तमाम डाटा आप इससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब इनको जो एक्सेस हासिल हो गया और जो 300,000 यूजर्स को एक जगह हो गए, लेकिन उसके आगे जो फ्रेंड्स के आगे से जनाब उनके पास जो डाटा आ गया, व्हाट डज इट रियली मींस। और इस तरह का ये जो अभी मैंने आपको बताया कि जो अपने एक नॉर्मल एक कोई भी एक फेसबुक यूजर का जिनसा डाटा है जो कि फेसबुक के पास मौजूद है, ये सारा डाटा तकरीबन 50 मिलियन यूजर्स का ये जनाब इस कंपनी के पास आता है। आपने डिलीट नहीं कर दिए ना, उन्होंने फिर इतनी सेव रखे। आपने डिलीट भी कर दिए पर उन्होंने नहीं किए। बड़े बदतमीज लोग। तो ये सारा डाटा सर, ये बच्चों ये तमाम डाटा जो है ये जनाब ये कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी के पास अवेलेबल। अच्छा, अब इस डाटा से हो क्या सकता है? तो ठीक है जी, हमने किए हैं कमेंट, हमने ठीक है जी वेबसाइट देखी, व्हाट वुड हैपन टू दिस डाटा? हो क्या सकता है जी? ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके ये जनाब इन सारी चीज़ों को जिस तरह से आप जनाब जो आपके मूवमेंट्स हैं, जो आपके लाइक्स हैं, जो आपके डिसलाइक्स हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के ट्राइट्स हैं, आप किस तरह की जनाब चीज़ों को पसंद करते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में ये जानने के बाद एक टेलर्ड काइंड ऑफ जनाब आपको एड भेजते हैं, टेलर्ड काइंड ऑफ आपको जनाब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो टेलर्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपकी सोच उसी तरह की होती है, आप फौरन पिक कर लेते हैं, और उस इंफॉर्मेशन में एक्चुअली दे आर टेलिंग यू व्हाट टू डू, वो आपको बता रहे हो कि आपने करना क्या। आप बहुत सारे जनाब चीजें सोचते हैं ना कि दिस इज अवर फ्री थिंकिंग, साड़ी मर्जी, साड़ा दिल कर देना कोनेटो खान का फेर की हाँ पसंद है कोनेटो, ये पसंद नहीं है, आपकी पसंद बनाई गई है एडवर्टाइजमेंट चला चला के जनाब कनेक्शन बढ़ाना आपने कोनेटो को, ठीक है ना? तो वो आप जनाब दिल का कनेक्शन बनाने के लिए कोनेटो खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी ये चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ जनाब, ये चले जी इंफॉर्मेशन आ गई और ये कितनी बड़ी बात है, मैंने आपको हाईलाइट किए, ये जिसकी गुफ्तगू की है इसमें सिर्फ आपको ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि इट्स ए बिग डील। और अभी जैसे बात कर रहा कि यू आर दी प्रोडक्ट, 50 मिलियन यूजर्स का डाटा जब उनके पास आ गया, तो उसके बाद फिर जनाब आ गए इलेक्शन। सन 2016 के इलेक्शन में ये जनाब कैम्ब्रिज एनालिटिका जिसकी ये कंपनी जिसकी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजिडेंशियल कंपेन में जिसना ये जनाब अहम रोल प्ले कर रही थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका वॉज हायर्ड बाई डोनाल्ड ट्रंप फॉर इट्स प्रेजिडेंशियल कंपेन, और फिर जनाब इन्होंने सक्सेसफुली कंपेन की, लोगों के जहन में डाला, लोगों को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बेस्ट कैंडिडेट है, उसको वोट डालना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सर जी अगर आपको याद हो, जब ये इलेक्शन में स्टार्टिंग थी इसकी कंपेन, लोग मजाक उड़ाते थे यार ये बंदा ये हो गया ना प्रेजिडेंट जो अपनी सेंचुरी पर, तो यस हो गया, ये प्रेजिडेंट है आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो जनाब ये कैम्ब्रिज एनालिटिका दे प्लेड रियली ए ग्रेट रोल इन इट, और उसके बाद से यस डोनाल्ड ट्रंप वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो जी ठीक है, सारा कुछ सही हो गया, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, थिंग्स वर फाइन, अंटिल दिस गाय दिस जेंटलमैन स्पोक आउट। हु इज दिस पर्सन? 17 मार्च 2018 लेटेस्ट ये स्टोरी है उनकी। इनका नाम है क्रिस्टोफर वाइली। मेनस्ट्रीम मीडिया इन अमेरिका रैन ए ब्रेकिंग स्टोरी व्हेन ए फॉर्मर डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका क्रिस्टोफर वाइली रिवील्ड दैट 50
million Facebook users' data was used to manipulate their voting decision in favor of Donald Trump. In another up, he was a whistleblower, bolte hain aise shakhs ko jo ke ghar ka beti lanka mein aaya hai na, ye ghar ka beti tha janab, to isne janab wo samay shohar mein tamasha shuru kar diya ki aao jaisi kita udhar se phir log kaan khade hue udhar se ye janab hue 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 ho kya raha. तो जनाब उन्होंने फिर भी सुना, इस मामले को भी सुना, मीडिया में पहले उछाला गया, मीडिया में उछालने के बाद फिर एजेंसियाँ एजेंसी की वो हरकत में आ गई. जनाब 26 मार्च 2018 को फेडरल ट्रेड कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्कैंडल एंड दे एंश्योर्ड द पब्लिक टू यूज ऑल ऑफ इट्स टूल्स टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ कस्टमर्स. तो फिर जनाब ये जब बात भी से इस तरह से फैली, मीडिया पर आई और लोग सोचे, वो जनाब उनके कान खड़े हो गए और वो जनाब हैरान परेशान भी हो. वो कह रहा है जनाब हमारी जो जाती इंफॉर्मेशन जो कि हम जनाब फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं और इस इरादे और नीयत के साथ अपलोड करते हैं कि ये हमारा सीक्रेट होगा और फेसबुक वाले इंसान इसको प्रोटेक्ट करेंगे, और एक ऐप जो हमने यूज़ ही नहीं की, सिर्फ जरा हमारे दोस्त ने यूज़ की है, तो उस नाते से उस ऐप ने हमारा डाटा उठा लिया, ये तो सख्त जाती है. चलो जी ठीक है जी, 300,000 यूज़र्स उनसे हैं, उन्होंने खुद से कंसेंट दी और जनाब जो ऐप यूज़ कर रहे थे उनको डाटा मिल गया उनका जाती, सही है जी ठीक है जी, इधर तक इस हद तक तो बात समझ आती. लेकिन उन लोगों का क्या कसूर, दोज हु वर वेरी कॉशियस अबाउट ऑल दैट, दोज हु वर वेरी पर्टिकुलर इन थिंग्स कि भाई वो दुनसना चीज़ों को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अनसोलिसिटेड उनका डाटा जो है वो उठा दिया गया. पीपल वर वरीड अबाउट दैट और मामला दुनसना बड़ा संगीन हो गया और फेसबुक दुनसना उसके मालिक दुनसे थे मार्क जकरबर्ग साहब, उनको दुनसना बड़े सवाल पूछे जाने लगे कि कर दे की पे हो जनाब, किस तरह से आप चीज़ों को मेनटेन कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं. बाकायदा इसके ऊपर सुना कांग्रेस ने सुना यूनाइटेड स्टेट्स में जनाब, उन्होंने फिर इसको कॉल भी कर लिया. मार्क जकरबर्ग साहब ने जनाब ये 11 अप्रैल 2018 को कांग्रेस के सामने पेशी बुक की है जनाब, उनको सामने जाकर जनाब उन्होंने फिर उनके तुंद तेज सवालों का जवाब दिया है. अमेरिकन जनाब जिनसे थे वो इस चीज़ में बहुत अपने आप को इनसिक्योर और वरिड महसूस कर रहे थे, इसलिए इस हाई लेवल किस्म की जनाब इन्वेस्टिगेशन इसलिए वो की गई कि ये पब्लिक जनाब इंटरेस्ट का मामला है, इसमें सब लोगों को जनाब जवाब चाहिए, क्योंकि फेसबुक जो समय वो तो हर कोई ऑलमोस्ट अब हर कोई यूज़ करता. तो 11 अप्रैल 2018 को जनाब ये मार्क जकरबर्ग साहब जिनसे हैं ये कांग्रेस की इस कमेटी के सामने दूसरा पेश हुए. फेसबुक फाउंडर CEO मार्क जकरबर्ग अपीयर बिफोर US सेनेट कमेटी, वहाँ जाकर ये क्या करते हैं, पब्लिकली एडमिटेड द ब्रीच ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने इस बात का इकरार किया कि वाकई हुआ है जी, गलती हुई है जब ये हो गया ये इस तरह से जनाब डाटा जो सुना लीक हुआ है, और 50 मिलियन यूजर्स का नहीं, एस टू बहुत यूजर्स का जो सा डाटा लीक हुआ है. और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जनाब अपोलोजाइज कर लिया जी, आई एम सॉरी, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा, और ये कहकर दुनसना वहाँ से ये मीटिंग जब से ख़त्म होगी. नाउ हेयर आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि जनाब ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का मामला हो और इतने बड़े लेवल का हो, और उसके बाद जनाब मार्क जकरबर्ग जनाब ये आदमी ये जाकर सिर्फ बोले मुझसे कह दे आई एम सॉरी आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो वट कैन बी डन, कुछ भी नहीं हो सकता. सेनेट कमेटी जो उनसे थी वो सब जोड़ के बैठी हुई, क्या करें, फेसबुक बंद कर दें, ये नहीं बंद हो सकती फेसबुक जो है ये बंद नहीं हो सकती, ये इतना इंटेग्रल पार्ट हो गया है हमारा जनाब सोशलाइजिंग का कि इसको हम जो सना वो बंद नहीं कर सकते, वो क्या करें. ठीक है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो कह रहा है कि आइंदा नहीं करेगा और वह इस चीज़ के लिए एहतियात करेगा, और खैर उसने खुद से यूज़ किया भी नहीं था, उसके यहाँ चोरी हुई है, और इस चीज़ के लिए फिर जनाब उन्होंने कहा ठीक है जी हम इस मामले को भी यहीं पर छोड़ देते हैं एंड विल डिसाइड लेटर कि करना क्या आपके साथ में.
بٹ آفٹر دیٹ جناب خبریں ادھر ادھر جیسے ہو جاتی ہیں نا اکثر، یہ بھی جناب یہ خبر ادھر ادھر ہو گئی ہوئی، لیکن اس ساری خبر کے ساتھ میں ایک اور جو چیز ہوئی تھی وہ پہلے جناب دبی ہوئی تھی پریزیڈینشیل الیکشن کے بعد، وہ پھر جناب اٹھ کر سامنے آ گئی، اور وہ کیا کانٹروورسی دیٹ رشیا ہیز مینج ٹو مینیپولیٹ 2016 پریزیڈینشیل الیکشن ٹو گیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان اوول آفس۔ یہ شروع میں پہلے جناب جب امریکن پریزیڈنٹ جب الیکشن جیتا تھا اس وقت بھی اکثر تو بات ہو رہی تھی، لیکن پھر جناب یہ جب یہ جب سامنے آیا یہ والا اسکینڈل، فیس بک کیمبرج انالیٹیکا اسکینڈل کنفرم رشین انوالومنٹ ان امریکن الیکشن پروسیس، اور یہ بات دوسری تھی یہ اب کنفرم ہو گئی کہ واقعی جناب یہ ایسا ہوتا ہے اور ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جناب ڈونلڈ ٹرمپ جن سے تھے ان سے جب اس بات کو کنفرنٹ کیا گیا، اور نہیں جی میں مل کے آیا جی وہ پوٹن کو، بھائی اپنا کوئی نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ کہہ رہا اس نے نہیں کیا تو نہیں کیا اس نے بس ٹھیک ہو گیا۔ وائی ہی وڈ بی ڈوئنگ دیٹ؟ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ از دی بینیفیشری آف آل دیٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جناب اس کو ایجنسیاں اس کی کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم رشین نیوزن ہیکرس کو چھوڑیں گے جنہوں نے یہ ساری کاروائی کی ہے، تو کہہ ہاتھ تولا رکھو ان شاء اللہ۔ امریکن کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسیز جسٹ نیڈ آرڈرز ٹو گو آفٹر رشین ہیکرز، بٹ سچ آرڈرز آر ان لائکلی ٹو کم فرام ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، کم از کم جب تک یہ پریزیڈنٹ ہے لگتا نہیں کہ جناب یہ اس طرح کے جلسہ نہ کوئی اس کا جلسہ نہ وہ حکم نامہ جلسہ نہ وہ ایجنسیز کو جاری ہوگا۔ تو یہ ایک کیس ہے جو ایک ابھی ڈیولپنگ اسٹوری ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر ہائی لائٹ کی ہے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی واٹ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ، ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، یہ سائبر لاز، یہ سائبر اسپیس، یہ ساری چیزیں اٹ ڈائریکٹلی افیکٹس ایوری پرسن ہو از کنیکٹڈ ود سوشل میڈیا۔ یہ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو سوشل میڈیا کے ساتھ میں، جو لوگوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کرنے میں ٹیکنالوجی یا گیجٹس وغیرہ کا استعمال کر رہا ہوں، ہر اس شخص کا مسئلہ۔ اب میں ایک اور آپ کے سامنے کیس سنا، ایک اور بڑا مشہور کیس ابھی ریسنٹلی ڈیسائیڈ ہوا، اس کیس کو سنا آپ کے سامنے ایک ایگزامپل، ایک کیس اسٹڈی کے طور پر لے کر آگے چلنا جا رہا ہوں، اور وہ ہے دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ورسز راس ولیم البریچ، یا اس کو ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یا اس کو سلک روٹ، سلک روڈ، یا سیلڈ ڈیفینڈ نمبر ون، یا ڈی پی آر اس کو بولتے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ سلک روٹ کیا ہے جی؟ یہ جناب ایک ایکیوز پرسن ہے، اس نے جناب کوئی ایک ویب سائٹ جن سے وہ بنائی ہوئی ہے، بنائی تھی، اور اس ویب سائٹ کے حوالے سے اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف کیس چلایا گیا، اور کیا تھا اس سارے کیس میں، میں آپ کو آگے اس کی تفصیل جن سے ان شارٹ جن سے بتانے جا رہا ہوں۔ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ورسز راس ولیم البریچ، البریچ واز کنوکٹیڈ فار ڈرگ ٹریفکنگ اینڈ ادر کرائمز ایسوسیٹڈ ود ہز کریشن اینڈ آپریشن آف سلک روڈ، اینڈ آن لائن مارکیٹ پلیس ہوز یوزرز پرائمرلی پرچیزڈ اینڈ سولڈ انلیگل گوڈز اینڈ سروسز۔ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ایک ڈارک ویب کے نام سے جلسنا یہ ایک جناب ایک پلیس ہے، اور وہاں پر جلسا ہے آپ کو جلسنا ہر جناب کو غلط چیز جلسی ہے، گھر بیٹھے جلسنا مل سکتی ہے، یہاں آپ کو جلسنا بائنگ اینڈ سیلنگ کرنی ہو آپ نے تو ڈارک ویب میں جلسنا، یہ ابھی انہوں نے ایک اگر ویب سائٹ کو اگر ڈاؤن کیا ہے، ایک بندے کو پکڑا ہے، تو اس طرح کے اور بے شمار بندے ہوں گے، بے شمار لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوں گے۔ تو جناب ہوا کیا تھا، کیسے یہ چلتا کیسے تھا، یہ کیا کام کیا تھا، یہ سلک روڈ میں سے یہ مارکیٹ پلیس کیسے کام کرتی ہیں، ایکسیس کون کر سکتا ہے؟ سلک روڈ واز دی مارکیٹ پلیس دیٹ آپریٹڈ یوزنگ دی ٹور نیٹ ورک وچ رینڈرز انٹرنیٹ ٹریفک تھرو دی ٹور براؤزر ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو ٹریس۔ میں یہاں پر آپ کو ایک خاص ٹرم جن سی ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس ٹرم کو ایسے بولتے ہیں انکرپٹڈ مٹیریل یا انکرپشن۔ یہ ورڈ کبھی سنا آپ نے؟
انکرپشن کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی جی, یہ آپ فیس اگر واٹس ایپ یوزرز ہیں نا, تو آپ نے ضرور یہ ان کا دعویٰ جن سے سنا ہوگا کہ جی یہ جو آپ کو جناب میسیج آتے ہیں نا واٹس ایپ کے اوپر, یہ پیئر ٹو پیئر انکرپٹیڈ ہوتے ہیں. جی بالکل, میں بالکل 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 اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے. تو جی یہ انکرپشن کا ورڈ جن سا ہے بچوں, یہ وہیں سے ہے, وہی اسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جی یہ انکرپٹیڈ جن سا ہے, یہ کس طرح سے جناب اور نیٹ ورک وغیرہ جن سا اس طرح سے کام کرتا ہے. یہ عام آپ کے جو براؤزرز وغیرہ ہیں نا, جو انٹرنیٹ ایکسپلورر وغیرہ, وہ نہیں ہے جہاں سے آپ جن سا ڈارک ویب تک پہنچ سکتے ہیں, بلکہ یہ اس کے لیے یہ علیحدہ سے ایک براؤزر ہے, ٹور کے نام سے براؤزر ہے, یہ کھولنا پڑتا ہے اور وہاں سے آپ جن سنا یہ ڈارک ویب تک جن سنا پہنچ سکتے ہیں. ایک ایسا ایریا ہے انٹرنیٹ کا جہاں سے آپ جن سنا کوئی بھی, جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ پکڑے تو کیسے بھی روڈ کے بند ہو جائیں, سارے جناب الیگل کام بند ہو گئے. نہیں نہیں نہیں, یہ ایک کیس اسٹڈی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس طرح کا اور بے شمار ہے جناب جو کام ہو رہے ہوں گے. ہوا کیا کہ جناب سلک روڈ یوزرز پرائمریلی پرنسپلی براڈ اینڈ سولڈ ڈرگس, فالس آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس اینڈ کمپیوٹر ہیکنگ سافٹ ویئرس. یہ جناب وہاں پر جتنے بھی جن سے لیگل کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی یہ جنت ہے, اور وہ جناب یہ ساری چیزیں یوز کرتے تھے. پھر کیا ہو اس کے بعد, ٹرانزیکشنز آن سلک روڈ ایکسکلوسیولی یوزڈ بٹ کوائنس این انانیمس بٹ ٹریسبل ڈیجیٹل کرنسی. ایک اور میں آپ کو جو ٹرم جن سے وہ ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی بٹ کوائنس. بٹ کوائنس یہ باقاعدہ جناب ایک پورا ایک پہلے سے اس کے اوپر ایک ہو سکتا ہے, ہم لیکچر بھی جتنا اٹینڈ کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں اپنا کہ بٹ کوائنس کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے یہ کام کرتی ہیں. بٹ کوائن جو ہے بچوں یہ ایک پیپر لیس کرنسی ہے, ڈیجیٹل کرنسیز کو بولتے ہیں. اور اس میں بھی جو ایک ایلیمنٹ جن سا ہے جو خاص طور پر آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور وہی ہے کہ انکرپشن. یہ اس وقت جناب کو ایک بٹ کوائن جن سا ہے, ایک بٹ کوائن جناب 6-7 لاکھ روپے پاکستانی جناب اس کے ایکویلنٹ ہے. یہ تو یہ ایویلیویٹ ڈیفرینشیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. میں نے جناب ویب سائٹ سے آج جن سا اپنی سائٹ کو جناب یہ سلائڈ شو کو بناتے ہوئے جو دیکھا تھا, تو کوئی 6.5 لاکھ روپے کی جن سا بٹ کوائن جن سا اس کی پرائز مجھے آ رہی تھی. یہ کیا مطلب, یہ وی کین ٹریڈ دیٹ؟ نہیں 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 نہیں, ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ بٹ کوائنز جن سے ہیں یہ اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ آپ جن سا نا کسی ایسے شخص کو ہی دے سکتے ہیں جس کا کہ اپنا جناب کو بٹ کوائنز کو ریسیو کرنے کے لیے اکاؤنٹ ہے, اور یہ اس طرح سے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ جن سنا یہ بٹ کوائنز جن سنا ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور اس کی خاص جو بات ہے بٹ کوائنز کی, اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سینٹرل بینک نہیں ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتا, کو مائن کیا جاتا ہے. ہم ریلی ہیپی کہ کوئی دوست ہیں جن کو کہ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن بھی ہے. تو بہرحال وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل, کیونکہ ابھی بھی جس میں کافی ٹائم ہو گیا ہے, جو لیکچر کے لیے میں نے ٹائم ڈیوریشن اپنے لیے جو کیلکولیٹ کیا ہوا تھا تو اس سے کافی آگے چلا گیا میں, تو اس گفتگو میں آگے جانے کی بجائے بس اس طرح یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک انکرپٹیڈ پیپر لیس ایک کرنسی ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے ڈارک ویب میں چیزوں کو پرچیز یا سیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جس کو کہ پھر کوئی جناب آپ کہیں جا کر کنورٹ بھی کروا سکتے ہیں. سر یہ کرپٹو نیٹ ورک ہے, یہ ٹریسیبل ڈیفینیٹلی, جب جو چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے اس کو ٹریس تو کیا جا سکتا ہے. جب بولتے ہیں کہ کوئی ایک چیز جلسی ہے وہ ڈیفیکلٹ ضرور ہوتی ہے, ناممکن نہیں ہے, تو وہ اسی طرح سے. دس سائٹ آلسو کنٹینڈ اے پرائیویٹ میسج سسٹم وچ الاؤڈ یوزرز ٹو سینڈ میسجز ٹو ایچ ادر سملر ٹو دی کمیونیکیٹنگ وائے ای میل, اے پبلک فورم فار ڈسکشن ٹاپکس ریلیٹڈ ٹو سلک روڈ اینڈ وکی, وچ از لائک این انسائیکلوپیڈیا دیٹ یوزرز could access to receive advice about using the site. یہ تمام چیزیں جو سکتی ہیں, یہ سلک روڈ اور اس کے حوالے سے رکسنا یہ صاحب جو سکتے, یہ جو ولیم راس ولیم البرٹس جو سکتے ہیں نا, یہ سارا یہ کام مینٹین کر رہے تھے. پھر کیا ہوا کہ جہاں سلک روڈ کسٹمرز اینڈ وینڈرس کوڈ آلسو ایکسیس اے سپورٹ سیکشن آف دی ویب سائٹ ٹو سیک ہیلپ فرام دی مارکیٹ
player administrator, which was when issue arose according to government, between 2011-2013, thousands of vendors used Silk Road to sell approximately $183 million worth of illegal drugs as well as other goods and services. तो जी इतना जना बड़ा इतने बड़े पैमाने पर ये काम मिशन सिल्क रोड के ऊपर ये जना ये इनलीगल काम मिशन ये चल रहा होता है और उसके बाद जना फिर क्या है कि अल्ब्रिच एक्टिंग एज रेड पायरेट रॉबर्ट अर्न्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन प्रॉफिट्स फ्रॉम द कमीशंस कलेक्टेड बाय सिल्क रोड ऑन परचेजेस इन अक्टूबर 2013 द गवर्नमेंट अरेस्टेड अल्ब्रिच सीज द Silk Road servers and shut down the site. Ulbricht was convicted in 2015 and his appeal was rejected in 2017 and finally review by Supreme Court was also turned down in June 2018. He is sentenced for life imprisonment. और ये अभी जनाब कुछ महीने पहले ही है जो कि इसका ये finally Supreme Court से फैसला आया है जिसमें कि इसको सजा मिली है. किस चीज़ के लिए सजा मिली है? यह भी यही साइबर क्राइम्स के लिए कि ये साइबर क्राइम में कमिट कर रहा था और एक ऐसी इसने जनाब को वेबसाइट मेंशन मेंटेन की हुई थी जो कि इलीगल काम मेंशन है उसको करने के लिए बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज़ हो रही थी. ये एक दो मैंने एग्जांपल्स हैं बच्चों जो आपको कोट की और ये एग्जांपल्स जिनसे आपको हाईलाइट करने के लिए थी कि जनाब व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट. ये जो साइबर लॉज हैं साइबर स्पेस में जो क्राइम्स हैं साइबर स्पेस से मुतलिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअली हैं क्या. अब हम बात करने जा रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी एंड स्टेटस ऑफ साइबर लॉज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जनाब ये बड़े बड़े मुल्कों में बड़े बड़े मसले मिसाइल होते हैं. पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है इसके जनाब किस तरह के मसले मिसाइल होंगे साइबर लॉज को लेकर या साइबर सिक्योरिटी को लेकर. तो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो है जी पोर्नोग्राफी. ये बहुत बड़ा इशू है जी हमारा. ये बहुत बड़ा मसला है और इसके अलावा जनाब जो हमारे जो साइबर रिलेटेड जनाब इशूज जिनसे हैं वो जनाब ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो थी क्रेडिट कार्ड नंबर जिनसे हैं वो जनाब यूज़ कर लिए जाते हैं. कोई आपने कहीं क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और वहाँ से जनाब उन्होंने नंबर जिनसे ना वो ट्रेस कर लिया उसको यूज़ करते हुए जिनसे ना उन्होंने जनाब आपके अकाउंट में से पैसे निकलवा लिए. ये हमारा बहुत बड़ा इशू है जी. उसके बाद जनाब कंप्यूटर हैकिंग जिनसे है ये हमारा बहुत बड़ा इशू है. कंप्यूटर हैकर जो है वो कंप्यूटर को जना अपने लिए जो वो आपका कंप्यूटर जो है इस्तेमाल करने के लिए उसको जनाब अपने काबू में कर लेते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कंप्यूटर से जो है वो उससे फ़ायदा उठाते रहते हैं. ये कंप्यूटर हैकिंग में आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम से वो हासिल कर लेते हैं. इलीगल गेटवे एक्सचेंज ये इसके कई FIRें कर चुकी हैं. कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं कि जो अभी तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है पहले वॉइस ओवर आईपी जो है ये बच्चों एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था और उसमें जनाब लोग जिनसे थे वो क्या करते थे कि दुबई या जनाब अफगानिस्तान और दूसरे किसी मुल्कों में जनाब काले शामले करने के लिए सस्ती कॉल जिनसे जिन्होंने अपनी अपनी एक सिंगल लगाई होती थी तो वो जनाब वो आपको जो मोबाइल से कॉल मिला कर जिनसे थे ना वो जनाब वो क्या था कि वो नेट के बेसिस नेट के ज़रिए से वो आपको सुना वो उन मुल्कों में कॉल वगैरह करवाते सस्ती कॉल करने के लिए जनाब जिस तरह से ये लोग के साथ जिनसे धोखा दे फ्रॉड करके उनसे पैसे कमाए जाते हैं. तो ये भी बहुत बड़ा मसला है हमारा जनाब ये साइबर लॉज के हवाले से. और फिर जनाब आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉड जी ये बड़ा मसला है जी. ये जनाब कोई कोई एक इम्परसोनेशन करके जिनसे ना कोई काम कई लोग कर लेते हैं कि जी एक शख्स जो है वो उसके आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन फ़ोन के ऊपर ही कोई एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन जिसमें करनी हो तो वो बंदा खुद नहीं है उसकी आवाज़ में भी ना कोई एक बंदा जिससे ना खुद से जिससे ना काम शाम कर लेता है. एक केस हमने ख़ास तौर पर किया था जिसमें कि एक बच्चा जिनसा था उसने अपने जहाँ को पैसे जिनसे थे वो ACCA में उसने कोई एग्ज़ाम देने थे तो उसके लिए ट्रांसफ़र करने थे. तो वो जनाब वो बोलते हैं कि जी आपने जो है ना ये दो दफ़ा जो है ना पैसे जो है ना ट्रांसफ़र करके जो है ना वापस जो है ना वो ले लिए हैं इसलिए आपके जो है ना हम जो है ना आगे आपको डिग्री नहीं देंगे कि आपने हमारे साथ कोई फ्रॉड किया. ये बड़ा छटपट आया इसमें कहा कि मैंने तो कभी आपको कॉल भी नहीं किया आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने पैसे आपको ट्रांसफ़र करके बिल विड्रॉ करवाएं.
वो बोलते हैं कि हमारे पास तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमारे तो फ़ोन पर था, हमारे जो एक जो उधर बंदा मौजूद था फ़ोन कॉल के ऊपर, उसकी आपसे बात हुई है। तो वो बात उनसे भी जो हुई थी वो किसी एक अनजान आदमी से हुई थी, और पैसे जो है जिस बंदे ने विड्रॉ कर लिए और यहाँ पर दोबारा डिपॉजिट करवाए थे, वो शख्स उनसे था, वो आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉड में मुलव्वस था। इसके अलावा जनाब हमारा जो मसला है वो जी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, जी हमारी कोई प्राइवेसी एजेंसी है उसके अतबार से है, जो हमें बड़े इश्यूज रहते हैं कि जी हमें मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि हम कहाँ आ जा रहे हैं, तो कैमरे शैमरे लगा कर जो ना वो इस तरह से लोग जो ना बड़ी नज़र रखते हैं। ये भी एक जना बहुत बड़ा मसला है साइबर लॉस के हवाले से। हमारा मसला है जी फेक डिप्लोमा डिग्रीज और ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, ये एग्जैक्ट कंपनी वाला जनाब जो एक मामला दूसरा है वो बीसी में कवर होता है कि फेक डिग्रियाँ जिससे वो लोग ले रहे हैं और उन डिग्रियों को लेकर जिससे ना वो अपने लिए इस तरह से जो अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह बना लेते हैं, और ये सारी चीज़ें इंटरनेट के जरिए से मिलती हैं। इसके अलावा ब्लैक मेलिंग है जी, बिल्कुल जनाब कोई तस्वीरें वगैरह जनाब जो खींचनी, अगले ही दिन जनाब वो एक जो केस उसका था वो मैं देख रहा था कि जी वो एक बंदे ने क्या किया है अपने जनाब ब्यूटी पार्लर में उसने कैमरा लगाया हुआ है, और वो अंदर कोई चेंजिंग रूम है जी वहाँ पर जिसमें वो क्या कर रहा था कि वो वीडियोज़ वगैरह बनाकर इसमें बाद में वो ब्लैक मेलिंग वगैरह कर रहा है। तो ये भी एक नेटवर्क सिस्टम, जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली वो एक साइबर जिसमें वो क्राइम जिसमें उसमें ये चीज़ आ जाती है। अब जनाब ये तमाम जो इश्यूज़ जो यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे पास जनाब कानून में कुछ अरसा पहले तक सिर्फ दो सेक्शंस मौजूद थे, और वो सेक्शन इस कानून के थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, उसका है जी सेक्शन 36 और सेक्शन 37। ये दो सेक्शन है जी जिनके हवाले से जनाब ये तमाम जो मैंने आपको पीछे जो क्राइम्स बताए हैं, इन तमाम क्राइम्स के लिए केसेस जो थे वो रजिस्टर होते थे, और FIA का एक इदारा है जनाब ज़ेली इदारा है NR3C, वो एक इदारा जिनसा है वो रिस्पॉन्सिबल था कि भी क्रिमिनल्स को पकड़े, उनके खिलाफ जनाब कार्रवाई करें और उनको सजा वगैरह दिलवाएं। ये जनाब ये कानूनी प्रोटेक्शन या कानूनी जो एक फ्रेमवर्क जो अवेलेबल था जिसके तहत जिनसना ये पहले काम हो रहा था, ये सन 2016 में एक नया कानून आया है उसको भी मैं अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले तक ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में ये दो सेक्शन सिर्फ मौजूद हैं। वैसे तो ये कानून जिनसा है ये जनाब इसमें सब्जेक्ट्स जिनसे हैं बड़े वेरिड किस्म के हैं जो कि मौजूद हैं, इसमें एविडेंस का भी जिक्र किया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का भी जिक्र किया गया है, इसमें और भी जनाब डिटेल्स वगैरह जिनसे प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो आज की हमारी डिस्कशन है ना साइबर लॉज या साइबर क्राइम्स के हवाले से, या जनाब कोई हम जैसे जो शुरू से गुफ्तगू को लेकर चल रहे हैं कि लोग जो हैं वो जनाब जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उस गलत इस्तेमाल को एड्रेस करने के लिए हमारे पास सन 2016 से पहले ये दो सेक्शन हैं जो कि अवेलेबल हैं। इसके अगर बेशुमार केस लॉस भी अवेलेबल हैं और उन केस लॉस को जिसमें आप सर्च भी कर सकते हैं यही पाकिस्तान लॉ साइट .com के ऊपर जनाब ये आपको बेशुमार जिसमें मटीरियल जिसमें मिल भी जाएगा इनके ऊपर। लेकिन क्या है कि सन 2016 ये बाकायदा एक नया कानून जिनसा है वो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है, मैं आगे उसके हवाले से जिनसन अपनी गुफ्तगू करके इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ अपने लेक्चर को, और वो है जी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। ये कानून है जी जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, और इस कानून के तहत जिनसा ये इदारा जो NR3C नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम, इसको NR3C इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंटर फॉर साइबर क्राइम, ये एक अलहदा से जनाब पहले ये मतलब FIA के अंडर जितना काम कर रहे हैं, तो ये जनाब ये रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए कि जनाब ये आपके मामलात को आपकी साइबर सिक्योरिटी के रूप में इंश्योर बनाए, और कोई भी जनाब जो गलत जिनसा कोई एक्टिविटी जिसकी है जो हो सकती है
हम अब आगे चलकर ये भी बात करेंगे कि वो गलत एक्टिविटी क्या हो सकती है जिसके लिए ये कानून जो सा है, जो नया बना है, ये उसको एड्रेस करता है। और अभी इसके बाद बच्चों, ये जो इदारा है, इसका तारुफ करवाने के बाद कि क्या इदारा है और ये कानून क्या है, आई वुड लाइक टू जंप ऑन टू दिस स्टैचू। ये जो पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है, मैं इसके बारे में डायरेक्टली जो सुन स्टैचू तो ही खोल कर आपके सामने रखकर इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये देखिए जी, ये है जनाब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इसमें मैंने मुख्तलिफ पोर्शन जिनसे हैं उनको हाईलाइट किया है ताकि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल्स हम जनाब जो फोकस कर सकें और एक ओवरव्यू में इस कानून को जितना देख सकें कि इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है। ये जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, इसमें इन्होंने जनाब इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर किया। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जी। साइबर लॉ को लेकर अगर मैं बात करूँ तो ठीक है जी, इन्होंने काफ़ी एफर्ट की है, लेकिन अभी ये बिल्कुल नजायदा बच्चा है कानून पाकिस्तान में, और इसके ऊपर कोई भी केस लॉ जिसमें अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। अगर कोई केसेस वगैरह होंगे भी, वो ट्रायल लेवल पर कहीं चल रहे हैं, तो कोई बेल वगैरह के लिए भी केसेस वगैरह होंगे तो उनको कोई रिपोर्टेड केसेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लिहाजा वी विल बी यूजिंग आवर एक्सपर्टीज एज अ लॉयर टू इंटरप्रेट लॉज। तो उस एक्सपर्टीज को ही हम इस्तेमाल करते हुए इस कानून को समझने की कोशिश करेंगे। तो जी इन्वेस्टिगेशन है जी, उसको भी इसमें ही कवर किया गया एक ही कानून में, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल, और ख़ास तौर पर मैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन का जिक्र करना चाहूँगा। देखिए जी, आप समझते हैं कि जी साइबर लॉ जो है ना, वो किसी भी एक खास लोकेलिटी के ऊपर तो उसको हम उनको कैर नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड, और उसके लिए भी इसमें जरा बकायदा चैप्टर मेंशनल दिया गया है। नीचे आ जाए जनाब, इसमें मुख्तलिफ डेफिनेशन वगैरह आपको दी गई हैं, और ये ख़ास तौर पर जिस अथॉरिटी के बारे में जनाब ये अब इसको ताबे किया गया है, और वो अथॉरिटी है जनाब पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसके तहत जनाब ये जनाब जो लॉ जिनसा है इसमें इसको एक अहमियत और मकाम जिनसे दिया गया है। और उसके बाद बाकायदा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वगैरह जिनसी हैं उनके लिए कहा गया है कि वो और भी हो सकती हैं, जिसमें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी हो सकती है, जिसमें कि FIA भी हो सकती है, जिसमें कि और भी जनाब CID वगैरह जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जिनसे काम कर रही हैं आपकी, वो तमाम हैं जो कि इस कानून से मुस्तफीद हो सकती हैं। ऐसा जनाब ये बाकायदा और भी इसमें जो डेफिनेशन वगैरह दी गई हैं, मैंने सिर्फ ख़ास जो डेफिनेशन हाईलाइट की हैं मैं उनके ऊपर फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि हर डेफिनेशन को बाकायदा हमारे लिए इस छोटे से कायम में पढ़ना मुमकिन नहीं है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स an electronic system for creating, generating, sending, receiving, storing, producing, displaying, recording or processing any information. Information बजाते खुद से वो कोई भी एक मालूम हो सकती है जो कि आपका जनाब एक ID कार्ड नंबर से लेकर आपके जनाब कोई किसी एक तकरीब में जाकर जिन समय जो आपने वहाँ पर कोई एड्रेस किया है, वो तमाम मालूम जिनसी है, दैट कैन बी एन इंफॉर्मेशन, दैट कैन बी टर्म्ड एज एन इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो कि इसको क्रिएट करती है, जिसमें कि कैमरे वगैरह भी आ जाते हैं, वीडियोज़ या आपकी तस्वीरें वगैरह, और फिर ये क्या है, ये ऐसे चीज़ को बोलते हैं जो इसको भेजने, रिसीव करने, स्टोरिंग, रिप्रोड्यूसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन इसमें शामिल हैं। इन्वेस्टिंग एजेंसी जो भी कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया भी था। इसके बाद जनाब जो इसमें ख़ास मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ वो है जी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है, ये कोई ऐसा काम ना कर रहा हो
अच्छा जी, उसमें फिर उसने क्या किया कि कॉपी वगैरह भी कर ली है, यानी कि जो तस्वीर थी वही वाली, तो वो उसने फिर क्या किया अपने मोबाइल पर सेंड भी कर ली है सबके जाओ। अगर ऐसा किया उसने तो उसको 6 महीने सजा होगी और उसको 100,000 जुर्माना भी हो सकता है। तो जी ये इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, यानी कि जनाब काम कर रहे थे और जिससे किसी ने कंप्यूटर आकर बंद कर दिया है, तो फिर आपके काम को डिस्ट्रप्शन उसने क्रिएट की है, तो फौरन जनाब FIA को कॉल करें, NR3C में जनाब उनको बुलाएं और बंदे को गिरफ्तार करवाएं, क्योंकि उसने आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको इंटरफेयर करने की कोशिश की है। तो ये छोटे छोटे क्राइम्स हैं, इनमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक खास ये जिनसे मैंने जो आपके लिए हाईलाइट किया है, ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंसेस, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, ये खास अजीब सी एक चीज़ सी है यहाँ पर मुझे नज़र आई इस कानून में, और वो ये है, हूएवर प्रिपेयर्स और डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइस विद द इंटेंट टू ग्लोरीफाई एन ऑफेंस रिलेटिंग टू टेररिज्म और any person convicted of a crime relating to terrorism or activities of prescribed organizations or individuals or groups shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine which may extend to 10 million rupees or with both. yani ke aise afraad jo ke terrorist ko janab promote karte hain उनके बारे में जनाब जो वो बड़े कसीदे लिखते हैं कि ये बड़े मुजाहिद हैं और जनाब ये समय बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह के लोगों को जिस समय दाद देनी चाहिए, अगर कोई ऐसा भी कर रहा है नेट के ऊपर इस तरह की भी कोई कार्रवाई हो रही है तो वो भी एक जुर्म। ये जो कानून है इसको मैं आपके लिए जनाब जो थोड़े से एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये एस्पेक्ट जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के हवाले से, बट इट इज़ ए मस्ट रीड लॉ आप सब लोगों को, जिनके आप लॉ स्टूडेंट्स भी हैं और वी ऑल लर्न, और हमारे जिनसन सब्जेक्ट से बाहर जो कोई चीज़ हो तो उसका हम ये नहीं सोच सकते कि हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कम भी कोई नहीं, लेकिन नहीं हम काम में देखने में किसी भी तरह का काम आ सकता है। तो ये कानून जिनसा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेट या साइबर स्पेस जो है इससे आप चाहते ना चाहते हुए भी कनेक्टेड हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना ज़रूरी है लाजमी। तो जी ये साइबर टेररिज्म क्या है, ये बकायदा से इस कानून में डिफाइन किया गया है पहली दफ़ा, इससे पहले साइबर टेररिज्म डिफाइंड नहीं था। इंफॉर्मेशन वो सेक्शन 36 और 37 के तहत ही जनाब किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। साइबर टेररिज्म, हूएवर कमिट्स और थ्रेटन्स टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 6, 7, 8 और 9 जो ऊपर जनाब बातें पाई गई, वेयर द कमीशन और थ्रेट इज विद द इंटेंट टू कोअर्स इंटिमिडेट क्रिएट ए सेंस ऑफ फियर पैनिक और इनसिक्योरिटी इन द गवर्नमेंट और द पब्लिक और ए सेक्शन ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी और सेक्ट और क्रिएट ए सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी और एडवांस इंटरफेथ सेक्रेटेरियन और एथनिक हेट्रेड और एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड 14 ईयर्स और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 14 years or with fine which may extend to 50 million rupees or with both. ये जनाब 50 million 5 crore रुपया बनता है, 5 crore रुपया फाइन और जनाब 14 साल कैद की सजा। ये ऐसे शख्स के लिए जो साइबर टेररिज्म कर रहा है, साइबर टेररिज्म से क्या मतलब कि लोगों में एक फियर क्रिएट करना, तो लोगों को पैनिक कर देना कि जनाब लोग उनसे ना वो हरासा हो, परेशान हो कि ये हो क्या रहा है, होने क्या वाला है, अल्लाह खैर करे जनाब, इस तरह की कोई एक इंटरनेट या इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए इस तरह का कोई एक इस तरह का कोई सीन क्रिएट कर देना,
کہ لوگ پریشان ہو جائیں. دیکھیے بچوں, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, میں شروع میں پہلے میں یہ بات کر رہا تھا, ہم لوگوں کا کہیں کہ کوئی ایک ذاتی اوپینین یا ذاتی رائے ہوتی ہے, ان سوری میں سے اگری نہیں کرتا. ہماری ذاتی رائے اتنی کمپلیکس قسم کی سوسائٹی ہو چکی ہوئی ہے, اتنا جناب سوشل میڈیا جسانا ہماری زندگی میں صلاحیت کر چکا ہوا ہے کہ میری جو ذاتی رائے ہے ایکچولی یہ کسی کی رائے سے انفلوئنس ہو کر میں نے بنائی ہوگی. چھ قسم کے تبصرے لگ رہے ہیں جی, اور جی یہ جناب کوئی نون لیگ کو برا کہہ رہا ہے, اور جی کوئی اچھا کہہ رہا ہے, اور کوئی جناب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی پہلے مر گئی تھی جناب اس کی نون نواز, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو جی سوری جی غلطی ہو گئی جناب, ہم نے تو پہلے یہ بات سوچی نہیں تھی. تو یہ ساری جو اوپینین فارمیشن کے لیے جو یہ مشینیں چل رہی ہیں, ام سوری میرا ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں کہوں میرا ذاتی رائے ہے, میری ذاتی اوپینین ہے, ذاتی ذوقی اب کوئی چیز نہیں رہی. وی آر انفلوئنسڈ, ہم انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, اور ہم اپنی اوپینین فارمیشن میں جو ہے وہ اس کو دوسرے لوگوں سے اسٹار لیتے ہیں. اور یہ سائبر ٹیررزم جو ہے یہ خاص طور پر بچوں اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے کہ اس طرح کا لوگوں میں ایک فیئر آپ کریٹ کر رہے ہیں, اس طرح کی جناب کوئی ایک آپ نے اسکیم بنا لی, تو یہ جناب اس میں پھر آپ کو 14 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور 5 کروڑ روپئے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ہیٹ سپیچ یہ بھی جرم ہو گیا ہے. ہیٹ سپیچ کئی جناب ٹیلی ویژن چینلز سے ہیں, وہ جناب بشر لقمان خاص طور پر وہ کوئی شاید اس دورے میں آتا ہو سکتا ہے کہ اس کا جناب بہت ہی خاص طور پر ایک ویو ہوتا ہے جس میں کہ وہ جناب بولی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو. اینی ویز ہیٹ اسپیچ کیا ہے, ہو ایور پریپیئرز اور ڈسمینیٹس انفارمیشن تھرو اینی انفارمیشن سسٹم اور ڈیوائس دیٹ ایڈوانسز اور از لائکلی ٹو ایڈوانس انٹر فیتھ سیکرٹیرین اور ریڈیکل ہیٹریڈ ریشل ہیٹریڈ شیل بی پنشڈ وتھ امپریزنمنٹ فور اے ٹرم وچ مے ایکسٹینڈ ٹو 7 ایئرس وتھ فائن اور وتھ بوتھ. تو جی یہاں پر یہ خاص جنس ہے, انہوں نے ہیٹ اسپیچ کے لیے کوئی ایریاز جنس ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ انٹرفیس جنس ہے وہ اگر کوئی جناب اس طرح کے مٹیریل پروڈیوس کیا گیا ہے یا سیکرٹیرین یا ریشل ہیٹریڈ جن سمے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ ہیٹ اسپیچ کہلائے گی. شاید اس کے علاوہ اگر آپ جو پولیٹیکل ویوز آپ کو اگر مینٹین کر رہا ہے تو وہ ہیٹ اسپیچ میں نہیں آئے. خاص طور پہ سر جی یہ اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ جی کون مسلمان ہے اور کون نہیں, یہ جناب جو خاص طور پر اب جن سنا یہ کیا کہیں گے اس کو, یہ جو قادیانیت کے اوپر سر جی جو یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کو سر جی ہم کیا کہیں گے, کیا وہ ہیٹ اسپیچ میں نہیں آتی؟ یس وہ ہیٹ اسپیچ جن سنا اس میں یہ کور ہو سکتی ہے جو خاص طور پر قادیانیت کے اوپر جن سنا جس طرح سے جن سنا یہ کیونکہ دیکھا جائے تو بھی تو ایک جناب انٹر فیتھ کا معاملہ ہی ہے نا, دو فیتھ ہیں, ڈفرینٹ فیتھس ہیں جی, ان کا آپس میں جس طرح اس کو لے کر آپ جس طرح وہ ان کو کہیں کہ جناب ان کو دے آر سچ کہ ان کو واجب القتل ہیں تو واسطہ خوار اور اس کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ہے جو اس میں آ سکتی ہے چیز. میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں کہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں, میں یہ پوائنٹ ہیٹ اسپیچ کے حوالے سے Like, Qadianis, they're still the nationals of Pakistan. Anyway,
یہ اب آگے مزید اور بھی الیکٹرانک فورجری میں صرف خاص طور پر بیکاز کیپنگ دی ٹائم کنسٹرینٹ ان مائنڈ تو خاص طور پہ میں یہ اوفینسز جن سے مزید اور بھی جو ہے آئی ایم لیونگ اٹ اپ ٹو یو کہ یہ قانون جو سر آپ نے ضرور پڑھنا ہے اینڈ اف یو فیل انٹرسٹیڈ تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس کی ان ڈیٹیل پریکٹیکل کو ایگزامپل کے ساتھ میں ایک جنسن ورک شاپ اور بھی جنسن وہ آگے رکھ لیں تاکہ انٹرنیٹ کے اوپر جنسن ہم کو جنسن کرنے کے جنسن کوئی مٹیریل وغیرہ جو اور دوسرے علاقوں میں دوسرے مالک میں جو اسی طرح کے کام کو کرنے کے حوالے سے جناب جو کوئی کیسز وغیرہ جنسن وہ رہے ہوں گے ان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے اور بھی مزید جنسن ڈسکشن کے لیے کوئی ہم ایک موڈ پروگرام جنسن بنا سکتے ہیں بٹ ٹو کنکلیوڈ میں اس میں صرف وہ بلاکس جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. Offences against dignity of a natural person. یہ خاص ایک نئی چیز جن سے میں نے شیخ صاحب میں نے دیکھی اس میں ہو ایور انٹینشنلی اور پبلکلی ایگزبٹس اور ڈسپلیز اور ٹرانسمٹس اینی انفارمیشن تھرو اینی انفارمیشن سسٹم وچ ہی نوز ٹو بی فالس اینڈ انٹیمیڈیٹس اور ہارمز دی reputation or privacy of a natural person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1,000,000 rupees or with both. ke kisi bhi ek natural person aap samajhte hain aap itna jante hain ke bhi natural person artificial person mein kya fark hota hai koi company ya corporation jinse usko artificial person bolte hain جبکہ نیچرل پرسن جناب جو ماں کی گول ماں کے جناب بطن سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہم سب لوگ ہم نیچرل پرسنز ہیں تو جی کسی بھی نیچرل پرسن کو جناب اس سے متعلق مٹیریل کو اس طرح سے جناب لگانا کہ اس کی جناب پرائیویسی یا اس کی ریپوٹیشن سے وہ خراب ہوتی ہو تو وہ جناب یہ ایک اوفینس ہے جس کے لیے جناب عمران خان سنا وہ شاید اس کے لیے جناب عمران خان کو نہیں چھوڑے گا اس کے خلاف جی سیکشن 22 جی ہاں جی چائلڈ پورن 21 اوفینسز اگینسٹ موڈیسٹی آف اے نیچرل پرسن اینڈ مائنر اس کو میں نے بلاک کیا ہوا تھا ہو ایور انٹینشنلی اینڈ پبلکلی ایگزبٹس اور ڈسپلیز اور ٹرانسمٹس اینی انفارمیشن وچ سپر امپوزز اے فوٹوگراف of the face of a natural person over any sexually explicit image or video or includes a photograph or a video of a natural person in sexually explicit conduct or intimidates a natural person with any sexual act or any sexually explicit image or video of a natural person or cultivate entices or induces a natural person to engage into a sexually explicit act through an information system to harm a natural person or his reputation or to take revenge or to create hatred or to blackmail shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 5,000,000 rupees or with both. یہ جو فوٹو کے اوپر جناب جو شکلیں تصویریں لگا کے جو دھڑ کسی اور کا ہو سر کسی اور کا نہیں تو اس میں نہیں یہ اس میں سیکشولی ایکسپلیسٹ ہاں سر اچھا اچھا اس میں کیس کون کرے گا شیر کیا جی نیچرل پرسن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جناب کیا ڈیفینیشن اس میں نیچرل پرسن کی دی ہوئی ہے کہ نہیں دی تو ہونی چاہیے جی جی بالکل جی
नेचुरल पर्सन मींस ह्यूमन बीइंग, तो इसके अलावा क्या हो सकता है? पर्सन की डेफिनेशन है ना, जिसमें वो जो आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाता है, कॉर्पोरेशंस भी आ जाती हैं, वो तो पर्सन की डेफिनेशन है ना। स्पेसिफिक किया नेचुरल पर्सन एंड माइनर, लाइक हां जी, माइनर इज नॉट कंसीडर्ड एज अ नेचुरल पर्सन, इज येट टू बी पर्सन, माइनर येट टू बी पर्सन, इज माइनर इज अ माइनर एज अ सेट बोर्न इन जी। माइनर जो है, माइनर को जो अदा करने का बुनियादी मकसद हो सकता है जो मेरे जहन में है, मैंने पूछना नहीं, दसो। देखिए एक छोटी सी बात है, आप लोगों ने हमेशा जब आप लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे मेंसरिया, जब हमने इंटेंशन पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था, आप सबको याद होगा, डोलिंग इनकैप्स, एक कॉन्सेप्ट डोलिंग इनकैप्स, ये लगभग सब लोगों के दिमागों में आ जाना चाहिए जिन्होंने क्रिमिनल के लॉ के जनरल प्रिंसिपल। द पर्सन डोलिंग इनकैप्स, डोलिंग कहते हैं अखिल incapable of committing any act, capacity, incapable act, incapacity है। तो जब तक आपके person की true definition आप करते हैं, वो natural person जो दबान वो attain the age of majority, जब आप जब persons की definition कहीं define कर रहे होते हैं, और उसके बाद आप जब rights की बात करते हैं individual persons के साथ उनके minors के rights की, तो फिर आप minor को अलहदा से mention करते हैं। तो देयर प्रोफेसर उधर बात हो रही थी, जब मेंसरिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, जब हम क्रिमिनल लॉ में मेंसरिया की कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं आफ्टर द कमीशन ऑफ एक्ट्स बिल, तो फिर हम डोली इनकैपेसिटी क्वालिफिकेशन में आते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी थी, उसकी कितनी एज थी, उसकी कितना मेंटल स्टेटस था, वो कितना रह सकता था। तो इसलिए जब आप जनरल लॉ के अंदर पर्सन को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसके साथ जब आप उसकी माइनर की बात करते हैं, तो माइनर इज ऑलवेज टू बी expressly stated separate of the person. But sir, इसमें नहीं तो समझिए अगला के नाम नहीं डालने सर, but sir इसमें देखिए offences against modesty of natural person and minor against sir, आपने जो explain किया वो explain था कि if minor or natural person could be taken as if they are committing something. सर इट इज अगेंस्ट देम, तो यहां पर फिर क्या रीजन हो सकती है? इसीलिए कहा कि माइनर के ऊपर जब करेंगे तो उसको इसलिए उन्होंने उसको जो है लॉ की डेफिनेशन के अंदर उसको लेटर से मेंशन किया गया सर, एक इंसेस पॉइंट सर, जब पैदा होता है जाहिर है उसके भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस की आ जाते हैं, लीगल फार्मोलॉजी के जी सर, जहां तक है फिर जब सेक्शन 9 को सर आप दोबारा एक्सरसाइज कर दीजिएगा, और ये आप यंगस्टर्स को बता दें कि ये जो एक किस्म का आता है कि वो शेयर करते हैं हम लोग पोस्ट बड़े आराम से, बड़े मजे मजे से वो जो होती हैं, हम जाते हैं किसी पोस्ट में शेयर करते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। चले सर इसको हम रख लें सर, ये आपका वैलिड पॉइंट है और आई एम नॉट इन अ पोजीशन के मैं इसको कोई वाजे रूप से इसको तो वर्डिंग दे सकूं, तो डेफिनेटली आई विल रिसर्च ओवर इट एंड डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू, तो इन अप्रोप्रिएट टाइम, लेकिन हम अभी जो अपने टाइम को कंज्यूम करते हुए इसको कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। साइबर स्टॉकिंग जिनसे ये क्या होती है, ये भी एक अजीब चीज़ें थी। साइबर स्टॉकिंग, ए पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ साइबर स्टॉकिंग हु विद द इंटेंट टू कोअर्स एंड इंटिमिडेट और हरास एनी पर्सन यूजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क द इंटरनेट वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक मेल और एनी अदर सिमिलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू फॉलो ए पर्सन or contacts or attempts to contact such person to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such person. Excuse me, सुनिए, कोई रबर ढंग से दर्ज करवा सकते हैं। अब ये वही है या कोई और था जो ये काम कर रहा था साइबर स्टॉकिंग वगैरह, तो वो इंसानों के लिए कोई फॉरेंसिक लेबोरेटरी जिसकी है, ये एनआरसीसी इंसानों की जिम्मेदारी लगाई हुई है,
कि वो बनाएंगे और बनाई भी हुई है उन्होंने, और वो जनाब वो बोलते हैं अभी इनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाकर देखें ना तो बोलते हैं कि हमारे पास सफिशेंटली स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि जनाब कोई एक इन्फॉर्मेशन दूसरी कहाँ से कैसे कोई न्यूज़ जनरेट कर रहा है और कैसे किसी को न्यूज़ कनेक्ट कर रहा है। तो यस ये है, इसमें एक ख़ास जो पूरा जो लॉ है ना उसमें मुझे एक चीज़ जिनसे ना मुझे नज़र आती है जो कि अभी जो पहले मैंने आपके साथ एक दो केसेस डिस्कस भी किए हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम अगर आप नेट के ऊपर जाकर देखेंगे ना वो आपको नज़र आएगी, और वो ये है कि एजेंसीज जिनसी हैं दे हैव बिकम रियली पावरफुल, दे हैव बिकम नियर टू गॉड तो बना उस बुला कि वो अगर कह दें सही तो सही है, वो कह दें गलत तो गलत है, क्योंकि फोरेंसिक लेबॉरेटरीज जिनसी हैं ये उनके पास अवेलेबल हैं और उन्होंने जनाब जो इसमें से जो डाटा निकाल लिया, जो उसको ट्रेस कर लिया, जो लिंक कर लिया, इसलिए कोई आप इंडिपेंडेंट अपने तौर के ऊपर दूसरा कुछ ट्रेस नहीं कर सकते। ये एक और कानून है पाकिस्तान में, वो मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, मैं नाम लिखा होता है यहाँ पर, वो है जी हाँ जी इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013, ये कानून है इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013। ये भी मैंने लिस्ट किया हुआ था कि आपके साथ डिस्कस करूँगा लेकिन फिर वक्त की कमी की वजह से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। तो उस कानून में एक्चुअली जो आपकी जो एजेंसियाँ हैं उनको इतने इख्तियार दे दिए गए हैं कि वो जनाब हर तरह से आपको जितना वो अगर वो स्टॉकिंग कर रहे हैं तो वो हक रखते हैं। कोई एजेंसियों में बैठा बंदा अगर उसके दिमाग में खन्नास भराता है और वो स्टॉकिंग करना शुरू कर देता है तो उसको आप जितना वो अनटचेबल है, उसको आप छेड़ नहीं सकते, उस तक पहुंच नहीं सकते। उसने जनाब कोई आपके लिए एक रिपोर्ट बना ली, उसने जनाब आपके लिए कोई डाटा जितना मुरतब कर लिया कि जी आप उनसे ना आपकी मूवमेंट आना जाना किस तरह से हमने देख लिया है और उसके बुनियाद पर आपके खिलाफ उसने कोई उसने चार्जशीट दूसरी ने क्रिएट कर दी है, ही कैन यूज़ दैट डाटा, ही कैन मैनिपुलेट दैट डाटा जिसको आप इंडिपेंडेंटली आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं और आप जो सुना उसके जनाब गम गुस्से और उसके जनाब को गज़ब का शिकार हो सकते हैं। एक्चुअली ये जो मैं आपको सुना ये विलियम अल्ब्रिट की कहानी जो सुना रहा था, जो डेड पायरेट रॉबर्ट की जो कहानी सुना रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक ये बंदा चीखता रहा कि मैं नहीं हूँ वो आदमी जो कि सिल्क रोड जिनसे चला रहा, मुझे जनाब स्केप गोट बनाकर जिनसे सामने कर दिया गया, वरना जनाब ये जो हैं कोई और बंदे हैं जो कि इस वेबसाइट को चलाते हैं और मैं जनाब खामखा पकड़ा गया। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा इशू भी है कि ये जो जनाब इस तरह से ये साइबर से रिलेटेड जो लॉज हैं उसमें हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी that we do not have any independent source जिससे कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने जो आपके खिलाफ मटीरियल जनरेट कर लिया है उसको आप दूसरा वो जुटवा सकते, आप कसमें खा सकते हैं, अल्लाह की कसम उन्हों पूछ लो कि उन्हों पूछ लो सारे जो मोबाइल बंसन बनाते हुए चलता फिर जी बिल्कुल दे आर सब्जेक्ट टू लॉ, उनके अंदर भी जना डिसिप्लिन जरूर दूसरा वो कोई एक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड होगा, लेकिन क्या है कि एक जो लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाला जो कानून है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर इतना दूसरा वो डेवलप्ड नहीं है। बाहर के मुल्कों में डेफिनेटली जनाब वो कोई इवन JFK के जॉन कैनेडी की जनाब जो कत्ल हुआ था तो उसके ऊपर भी सुना वो निक्सन के ऊपर जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करने के नाते से कई लोगों ने कई जनाब बड़े बड़े जिनसना केसेस भी किए हैं, कई जनाब बड़े बड़े जिनसना जो जो है वहाँ पर मामला रहे भी हैं, बट दैट इज़ अमेरिका। और यहाँ पर सर इस तरह के कोई जनाब करें तो सही जनाब वो चीफ जस्टिस जनाब आपको बुलाकर वैसे ही ना डर गए जरूर क्या आपको जाए जनाब आप ठीक है जी। तो ये बच्चों मैं अपने बस आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा और आप सब दोस्तों की पेशेंस, आप सब लोगों के जनाब उसमें पार्टिसिपेशन उसका मैं बहुत मशहूर हूँ, इट वाज रियली एन अमेजिंग सेशन और यू हैव बीन रियली रियली पेशेंट स्टूडेंट्स एंड पेशेंट पार्टिसिपेंट्स, तो आप सब लोगों के आने का और इसमें पार्टिसिपेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बच्चों।
जी 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 एक हस्बैंड जो है जी सेपरेटेड हस्बैंड जो है उसने कोई जनाब अपनी वाइफ एक्स वाइफ के साथ जो इंटीमेट काइंड ऑफ जनाब उसके जो थे वो जो मोमेंट्स थे तो उनसे मुतल्लिक जनसाना वो कह रहा है कि भाई मैं ये आपकी जनाब ये जो मालूमात है ये जो मेरे पास जो तस्वीरें हैं इनको मैं जनसाना वो सही जी बिल्कुल बिल्कुल ये इस तरह से है और ये किसी को ब्लैकमेलिंग के जैसे मैं बता रहा था उसी के जुमरे में आता है और वो साइबर क्राइम एक्ट जो है ना उसमें डेफिनेटली फॉल करेगा और अगर वो इसको बोलता वो कह रहे ना कि मैं आमतौर पर हमने केसेस देखे हैं जिसमें कि वो बेइज्जत और बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि मैं नेट पर ला दूंगा फिर देखना तो सारा जान तेरा जितना तमाशा देखेगा तो ये डेफिनेटली एक साइबर क्राइम है तो इसके लिए जितना केस फाइल किया जा सकता है एफ आई ए को या एन आर सी सी को जितना इसके लिए रब्ता किया जा सकता है जी एन आर सी सी उनकी अपनी इवन वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपने जैसा लिंक दिया हुआ है उनके एड्रेसेज अवेलेबल हैं हाँ जी हाँ जी साइबर स्क्वाड उन्होंने बनाया है मैं आपको जो है वो सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनकी वेबसाइट देखिए जी बिल्कुल वेबसाइट है और बड़ी जनाब उन्होंने अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि किस तरह से आप उनसे ना अपने क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं